क्या करोगे आप आगे का? देखिए, द लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड एंड वर्टिकुलेट साउंड। अब लिख लिया बेटा आपने? ओके, द लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड एंड वर्टिकुलेट साउंड। फिर से एक बार हम आपके सम्मुख रखते हैं, द लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स बाय मीन्स हो गया यहां तक, द लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स बाय मीन्स द वर्टिकुलेट साउंड। हाँ जी, ठीक है, लिख लिया बेटा पूरा? क्या लिखे बस पढ़ो। लिख लिया पूरा? लिखा तो पढ़ो आप उसे। ओके, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? अर्थात भाषा मानवीय ध्वनि संकेतों द्वारा मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति है। देखिए, डॉक्टर ए गार्डनर की डेफिनेशन को भी आपको लर्न करना है। डॉक्टर पी डी गुणे, छोटी सी परिभाषा है इनकी, बिल्कुल छोटी सी। जैसे पनघट पर आप लोग जाते हो और कपड़े धोकर आते हो ना, अभी तो पनघट नहीं है, अभी तो बहुत शॉर्टली हो गया है, वॉशिंग मशीन में डाल दे, इतना आसान हो गया है अभी। बताओ जल्दी से, डॉक्टर पी डी गुणे ने क्या कहा भाषा की परिभाषा में? ओके, प्रकटीकरण ही भाषा है। बहुत बढ़िया बेटा, अभी अंतिम हमारा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, ऐसा लिखिए, है ना? अब चलते आगे, डॉक्टर तिलक सिंह, भाषा व्यक्त तथा सार्थक, उच्चारित तथा श्रोत यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो परस्पर संबोध्य में कार्य करती है। देखिएगा कि इस परिभाषा के माध्यम से उन्होंने पूरे उन यादृच्छिकता को याद कर लिए, सार्थकता को याद कर लिए, व्यक्तता को याद कर लिए, अव्यक्तता को याद कर लिए। व्यक्तता मतलब क्या? कि जो मनुष्य के माध्यम से प्राप्त होती है उसे व्यक्तता, और जो प्राणियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से प्राप्त होती है उसे अव्यक्त वाक्य कहा जाता है। अब देखिए कि उन्होंने क्या किया, सार्थकता को भी ले लिया, मतलब कौन सी सार्थकता? सागर शब्द की। और सार्थक, और हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण भी करना है और श्रोताओं के द्वारा उसे प्राप्त भी करना है ना? हमने आपको अभी भी बताया ना कि एक वक्ता मतलब बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता यदि एक भाषा से समुदायित होता है तो उसे एक भाषा भाषी कहा जाता है। यदि हम आपके सम्मुख वो ब्रज बोली का उदाहरण अब रखते तो आप शायद उसे समझ सके। ब्रज बोली के उदाहरण को रखिए, माली के टिकरा में साग धरे हो, तार परी धरी है, परी माँ आदमी नो है, सारी बाजार सुने। अब नहीं समझोगे आप, क्यों? क्योंकि हम उसकी बोली को नहीं समझ पाते हैं। तो जहां पर बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता एक समुदाय से, एक भाषा से रिलेटेड नहीं होता है तो वहां पर अव्यक्त वाक होता है। लेकिन हर जगह पर ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता। बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता एक ही भाषा से रिलेटेड होता है, जिसके कारण बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता, इन दोनों के बीच की जो भाषा होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो वहां उच्चारित और श्रोत यादृच्छिक, मतलब जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करना, यादृच्छिकता यथार्थता, ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो एक दूसरे के परस्पर संबोधता में वह कार्य करती है निरंतर रूप से। अब देखिए, अब तो हमने उन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को देख लिया, अब हम लोग चलते हैं विशेषताओं की ओर।
ये जो विशेषता है, हर जन समुदाय की अपनी एक स्वतंत्र भाषा होती है, उसकी विशेषताएं भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हर भाषा का ढांचा अलग होता है और वह एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है। कई बार ऐसा ऐसे माना जाता है कि कई तत्व ऐसे होते हैं कि जो मराठी में या हिंदी में या अंग्रेजी में या जापानी में एक जैसे निहित होते हैं, एक जैसे ही पाए जाते हैं। तो जो समान रूप में पाए जाते हैं, सभी प्राय सभी भाषाओं में पाए जाते हैं, उसे उन समान तत्वों को ही भाषा की विशेषता कही जाती है। अब देखिए, ये जो विशेषताएं हैं, ये निश्चित ही सभी भाषाओं पर लागू होगी, मतलब एक भाषा पर नहीं बल्कि सभी भाषाओं पर, जितनी भी भाषाएं होगी उन सभी भाषाओं पर वह लागू होगी। तो हमारी पहली विशेषता कौन सी है बताइएगा? वेरी गुड। भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। जैसे हमने आपको बताया कि मनुष्य समाज प्रिय प्राणी है और वह समाज में रहता है, तो समाज के ही साथ समाज के व्यवहारों को वह स्थापित करना उसका एक अनिवार्य बात बन जाती है। अब जब छोटा सा बच्चा, जैसा उसका जन्म होता है, तो बच्चा जन्म लेते ही उस परिवेश में रहता है, उस परिवेश में पलता है, बच्चा उस परिवार में रहता है, परिवार के निकटी लोगों के साथ संबंध रखता है, परिवार के दूसरे लोगों के साथ जो उसके पड़ोस में रहते हैं वहां पर चला जाता है। तो एक दूसरे के साथ जब वो चला जाता है, जब वो अपने माता पिता के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, फिर उसके मित्र जुड़ जाते हैं उनके साथ, उसके पश्चात वह जब स्कूल में चला जाता है तो गुरुजनों के साथ, अर्थात वो पूरा समाज जो है उस समाज में उसे योगदान मिल जाता है, एक सहयोग मिल जाता है, और बच्चा धीरे 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 उस भाषा को आत्मसात करता है। जैसे यदि कोई हिंदू का घर होगा और पड़ोस में रहने वाला कोई ब्राह्मण होगा, तो हिंदू का बेटा यदि ब्राह्मणों के घर में जाता है और वहां की पंडित के पास जाता है, हमेशा वह गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ को सुनता चला जाता है, तो वह अपने आप अथर्वशीर्ष का पाठ बोलता है। कैसे बोलता है, कौन उसे सिखाता है, नहीं, लेकिन जब भी वह उसका अनुकरण करने लगता है तो वह अपने आप उसकी भाषा को सीखने लग जाता है। और मूलाधार स्थिति उसी नित्यम, जिस प्रकार से वह पंडित जी बोलता है ठीक वैसे ही अपने घर में आकर वो बोलने लगता है। कौन कहता है ऐसा? तो कहता है वो पंडित जी कहते हैं ना पड़ोस के। तो देखिए, तो इस प्रकार की जो भाषा होती है, यह भाषा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाषा परिपूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु कहलाती है। सेकेंड, दूसरी विशेषता कौन सी हमारी? यस एग्जैक्टली। और इसके लिए आपको बताया गया है कि, हाँ जी, भाषा, ओके ठीक है, भाषा पैतृक, ये इधर का उधर हो गया है और कुछ नहीं, आपके पास पूरा मैटर अवेलेबल है, लेकिन ये ऊपर का नीचे हो गया है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। जहां पर हम कहते हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है पूर्ण रूप से, तो पैतृक संपत्ति कैसे होगी, है ना? भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। जैसे विरासत में हम लोगों को मिल जाता है ना, कि विरासत में यदि हमारे पास में जितनी प्रॉपर्टी, इन द सेंस हमारे पापा के पास जितनी प्रॉपर्टी होगी, उसका बंटवारा करते समय हम लोगों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वह अनायास ही मिल जाता है। एक और, जब वह अनायास ही मिल जाता है तो वैसे भाषा के लिए हम लोगों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि तो जब भी हम भाषा को आत्मसात करते हैं तो बच्चे को उस भाषा को आत्मसात करना पड़ता है, धीरे धीरे उस बच्चे को उस भाषा को सीखना पड़ता है, और तब जाकर वो जो बच्चा है उस भाषा को स्वीकार कर पाता है। अब देखिए, यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो जैसे ही हम कहे कि अंग्रेजी बोलने वाले का जो बेटा होगा वो अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिंदी बोलने वाले दंपति का बेटा यदि वह दूसरे देश में पहुंचा दिया जाता है उसे बाल्यावस्था में ही, तो वह उस जगह की भाषा को आत्मसात करेगा। इंग्लैंड भेज दिया जाता है तो इंग्लैंड की भाषा को, अमेरिका भेज दिया जाता है तो अमेरिका की भाषा को। तो
यहाँ निश्चित ही तौर पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय बच्चा भारत के बाहर यदि चला जाता है तो वहां की भाषा बोलेगा, उस देश की भाषा को एक्सेप्ट करेगा, न कि उसके माता पिता के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा अंततः पैतृक संपत्ति नहीं है। ओके, क्लियर हो गई बेटा ये डेफिनेशन आपको, ये विशेषता? हाँ, आगे कौन सी है? यस, यदि हम आपको कहना चाहते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यदि पैतृक संपत्ति के अधिकार के रूप में हमें वो भाषा नहीं मिलती है, तो उसे तो हमें अर्जन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो हमें कार्य करना पड़ेगा उसे प्राप्त करने के लिए। मतलब जिस प्रकार छोटे बच्चे को उसकी माँ उसे माँ बोलना सिखाती है, और उसके बाद छोटा सा बच्चा आप लोग देखिएगा कि वह बच्चा माँ के साथ मामा बोलना सीख जाता है। क्यों सीखता है ये, उसे कोई सिखाता है? लेकिन देखिएगा कि जिससे वो पहला शब्द मानव की जुबान से सबसे पहला शब्द आने वाला कौन सा है, तो वो माँ होता है ना। और माँ से ही जुड़ा उसका, माँ के हम कहें कि संवेदनाओं के साथ जुड़ा शब्द है मामा, और इसलिए बच्चा पहला शब्द माँ बोलता है और दूसरा शब्द उसका मामा होता है। तो उसे व्यवहार करना पड़ता है, उसे अर्जन करना पड़ता है। यदि एक जगह पर हम कहते हैं कि वह सावर जंगम संपत्ति के अनुरूप नहीं माना जाता है, तो निश्चित ही उस बच्चे को कार्य करना पड़ेगा, आवश्यक ही होगा उसे कि उस वह जो जिस समाज में रहेगा उस समाज की भाषा को वह ग्रहण करेगा, वहां की विशिष्ट भाषा को वह आत्मसात करेगा। यदि उसने उस भाषा को सीखा नहीं, उस भाषा को आत्मसात नहीं किया, तो वहां की भाषा को यदि आत्मसात नहीं करता है तो उसे भुका रहना पड़ेगा। मानते हुए चलिए कि भारतीय दाम्पत्य का पुत्र यदि अमेरिका भेज दिया जाता है, तो उस बच्चे को अमेरिका की भाषा को प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा। यदि वह वहां की भी भाषा को आत्मसात नहीं करता है, तो वह बच्चा अपने स्वदेश लौट आता है, तो माता पिता की भाषा जब वो सीखता है, तो उस सीखने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। फिर हम कह सकते हैं कि भाषा निश्चित ही अर्जित संपत्ति कहलाती है। एक ओर तो अर्जित संपत्ति है, लेकिन दूसरी ओर हम मानते हैं कि अनुकरण, यह जो है, यह मनुष्य का बहुत बड़ा गुण होता है, क्योंकि हम लोग अनुकरण करते हैं। और अनुकरण किस चीज का करते हैं, तो हर पद्धति का, रहन सहन का, फिर जैसा जो हमारा आदर्श होता है ना, उस आदर्श के जैसा हम बोलने का प्रयास करते हैं। फिर चाहे वो आदर्श हमारे गुरुजन हो, चाहे वो हमारा फिल्म का कोई हीरो हो, या चाहे वो हीरोइन हो, जो भी नायिका या नायक जिसे हम लाइक करते हैं, उसका हम क्या करते रहते हैं, अनुकरण करते रहते हैं। अब यदि हम आपको बताएं कि सेमेंटिक्स नाम का जो राजा था, उसने जिस रूप में वह कार्य किया था कि दो बच्चों को उठाया था, आपको याद होगा कि अकेला बच्चा जब उसे निर्जन स्थल पर डाल दिया गया, तो भाषा को नहीं सीख पाया, वह नितांत बहरा और गूंगा पाया गया। और एक बच्चे को जब उसने समाज में डाला, तो समाज की भाषा को वह बच्चा एक परिपक्व, हम कहें एक सुदृढ़ व्यक्तित्व, जो हम कहें कि एक फुल्ली पर्सनालिटी जो उस बच्चे की पाई गई, और दूसरी जगह पर वह बच्चा नितांत बहरा और गूंगा पाया गया। यह हुआ केवल भाषा के कारण। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भाषा निश्चित ही अर्जित संपत्ति है। दूसरी कौन सी है आगे? कट गया क्या लेक्चर हमारा? हाँ, भाषा परिवर्तनशील है। अब देखिए, जैसे हम आपको बता चुके बेटा कि परिवर्तनशीलता दो चीजों में होती है। एक तो हमने आपको उदाहरण दिया था, याद आ रहा है आपको किसका उदाहरण दिया था? आपके सबके नाम जोड़े थे उस लेक्चर में हमने। याद आ रहा है? चलो आपको उदाहरण दिया,
वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बेस्ट। किसने बताया? आपका नाम नहीं सुन पा रहे। ओके, ठीक है। आपको हमने मेज का उदाहरण दिया था बेटा कि जिस प्रकार से अपनी ओके ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हो आप। तो इस संसार के हर चीज जो है या हर वस्तु जो है वो सृष्टि के सभी जीवों के समान रहती है, और हम यूँ कहें कि भाषा भी समाज में होती है, और भाषा जब समाज में रहती है तो भाषा परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात कर लेती है। कैसे? यदि हम किसी के साथ बात करें, अंग्रेजी में यदि कहा जाए, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसके आधार पर हर युग को और हर देश की भाषा समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। अब देखिएगा कि यह समय समय पर परिवर्तित होने वाली हमारी ये जो भाषा है, इसे हम दो उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला तो जो मेज हम पर रखते हैं ना, मेज पर रखे फूलदान के फूल तुरंत कुमलाकर पंखुड़ियों में, उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो कुमलाने लगती है, गिरने लग जाती है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो परिवर्तन उन पंखुड़ियों में हो रहा है या फूल में हो रहा है, वो परिवर्तन उस मेज पर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेज में होने वाला जो परिवर्तन है वो अत्यंत मंद गति से होगा, और फूलदान में होने वाला जो परिवर्तन है वो अत्यंत शीघ्र गति से होगा। तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कम अधिक का भाव हमें दिखाई देता है, और यह कम अधिक का भाव जो है यह हर वस्तु में होता है। पेड़ों में, पौधों में यह परिवर्तन निरंतर रूप से चला जाता है, मतलब वो कभी शीघ्र गति से होता है तो कभी वह मंद गति से होता है। अब जैसे हमने इस परिवर्तनवादी विचारधारा को देखा, यही परिवर्तन हमारी भाषा में भी होता है। कैसे? तो इस परिवर्तन में भाषा ध्वनि के साथ जुड़ती है, शब्द के साथ, वाक्य और अर्थ के साथ जुड़ती है। इन सभी अंगों में हम पाते हैं कि शब्दों में कुछ नई ध्वनियां आकर जुड़ जाती है, तो कुछ ध्वनियां घट जाती है। जैसे हम अब तक कहते थे आ अग्नि, अग्नि दो, तो अग्नि का आग हो गया, है ना। अब श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध का तात्पर्य पहला क्या था कि श्रद्धा से दिया गया भोजन था, और अब क्या हो गया तो हम उसे कहते हैं श्राद्ध, माने मृत्यु के उपरांत दिया गया भोजन, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन हमारी भाषा में हुआ, तो इन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात कर सकती है, या भाषा परिवर्तनशील है, इस बात की अभिव्यक्ति इस विशेषता के आधार पर हो सकती है। अगली कौन सी विशेषता है? हाँ, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। देखिए, जैसे कि हम कोई चीज बना बना कर रख देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज बन रही है ना। किसी आप बढ़ई के पास चले जाते हैं, मूर्तिकार के पास चले जाते हैं, चित्रकार के पास जाते हैं, है ना। यदि चित्रकार को बता दे कि चलो हमारे पेंटिंग निकालो और रंगोली निकालो, मेहंदी निकालो, जो भी आप बनाना चाहती हो, तो क्या होता है, आप क्या कहते हो उनको कि नहीं हम बना रहे अभी। लेकिन जब बनी बनाई चीज को पूरा कर देते हैं तो आप क्या कहते हो कि ले ये आपकी रंगोली तैयार है, या आपका मेहंदी का हाथ तैयार है, ऐसा आप खुद कह सकते हो, है ना। लेकिन भाषा के संदर्भ में ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भाषा जो है ना वो कभी ऐसा नहीं होगी कि वो बनाकर तैयार हो गए, क्योंकि भाषा एक ऐसी वस्तु कहलाती है कि जिस भाषा के माध्यम से ऐसा नहीं होता कि यह भाषा कंप्लीट हो गई है। जैसे जैसे नागरी सभ्यता का विकास होता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य के साथ साथ वह भाषा आगे बढ़ती चली जाती है, और उस आधार पर हमें यह भी बात ध्यान
रखनी चाहिए कि जैसे भाषा होती है हमारी, उस भाषा के आधार पर भाषा का कोई एक निश्चित ही रूप नहीं होता कि जो बना बना कर पूरा किया जाए। क्लियर हुआ? हाँ, आगे कौन सा है?